नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई नई बॉलीवुड की मूवी जिसका नाम है हसीन दिलरुबा। और जैसे कि आप नाम से ही थोड़ा पता चलता है कि ये जो बेसिकली जो कहानी है, ये कहानी तो सच्ची घटना पे तो आधारित है नहीं, ये बेसिकली एक फिक्शनल स्टोरी है और जो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है मनोहर कहानियों से। दोस्तों, रेलवे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे किताब मिलते हैं जिसका ना ऑथर का पता होता है ना पब्लिशर का पता होता है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारा ऐसे बहुत ही दिल दहलाने वाली कहानियां जो है उसके अंदर में छुपी होती है। और बहुत ऐसे ऑडियंस है जो उन कहानियों को पढ़ते हैं, खरीदते हैं, ट्रेन में सफर करते हुए पढ़ते हैं और ट्रेन से सफर खत्म होती है तो वो कहानी को वो किताब को वो भूल जाते हैं। दोस्तों, ये जो मूवी है, ये मूवी बेसिकली वही कहानियों से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट में दिखाया जाता है कि एक जो लड़की, बड़े शहर की एक लड़की, एक छोटी सी शहर में शादी होके वो आती है और आने के बाद उसका जो है अपने पति के साथ बनी बना जो है वो नहीं हो रही है। और उसके साथ ही एक, आप बोल सकते हो, उसके घर में उसका देवर जो है वो आता है और उनके साथ एक रंगारंग कार्यक्रम उनका जो है वो हो जाता है। अब होने के बाद वो गिल्ट फील चालू करती है और अपने पति के साथ वो आंख नहीं मिला पा रही है, लेकिन पति उसको कैसे स्वीकारती है या नकारती है इसके ऊपर बेसिकली कहानी है। दोस्तों, ये आपको सुन के लग ही रहा होगा कि एक नॉर्मल सा एक लव स्टोरी है जिसमें एक लव ट्रायंगल है। बॉलीवुड में तो ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखी है, लेकिन इसके साथ वो जो मैंने आपको कहा ना कि मनोहर कहानियां जिसके अंदर में छुपी होती है बहुत सारा क्राइम थ्रिलर, तो इसके अंदर में भी वही एक क्राइम जो है वो डाल दी गई है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत जो हम लोग मूवी के अंदर में देख रहे हैं, 2 घंटा 15 मिनट की मूवी में कहानी की शुरुआत एक धमाके के साथ हो रही है। एक घर में, एक बोल सकते हो कि मोहल्ले के अंदर में एक घर में गैस सिलेंडर जो है वो बर्स्ट हो रही है और वहीं से कहानी की शुरू हो रही है। और कहानी का जो नरेशन है वो नरेशन बेसिकली आप बोल सकते हो कि आज के दिन से पिछले 6 महीने का जितने भी घटनाएं हैं उसके ऊपर दिखाया जा रहा है। तो कहानी जो नरेशन हो रही है वो एक पुलिस थाने में है जहां पे तापसी पन्नू जो है वो एक एक्यूज्ड है और उनको बेसिकली जो अपना जो भी घटना घटी है उनके पति के साथ उसको बयान करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये एक जो है ये बेसिकली नरेशन स्टाइल है और उसमें तापसी पन्नू पूरा कहानी को अपने मुंह से जो है वो बयान करती है। आखिर में जाके तापसी पन्नू का क्या होता है और इसके साथ जो दो और बाकी जो किरदार है जो हर्षवर्धन राणे और विक्रांत मासी वो कैसे इसमें जुड़ते हैं वो एक्चुअली इसमें देखने वाली बात है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी जो लोकेशन की। ये जो लोकेशन ढूंढा गया है, जो नाम एक्चुअली तो दिया गया है ज्वालापुर, लेकिन ज्वालापुर बोल के एक्चुअल में तो कोई जगह है नहीं, ये एक जो है मनगढ़ंत एक जगह दिखाया गया है। लेकिन उस जगह का जो लोकेशंस जहां पे शूट किया गया है वो काफी बढ़िया है। एकदम एक नदी के किनारे एक मकान ली गई है और उस मकान में पूरा जो शूट है उसको किया गया है। तो उसका जो लोकेशन वगैरह जो देखने के लिए मिलता है नदी के ऊपर जो राफ्टिंग वाला पोर्शन है वो काफी सुंदर दिखती है। और साथ में जो बात करेंगे कि इसका जो म्यूजिक का, देखिए दोस्तों, इसमें गाने तो उतना ज्यादा है नहीं, एक या दो ही गाने इसके अंदर में है, लेकिन इसका ओवरऑल जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा इन्होंने डाला हुआ है, तो वो काफी अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। अब दोस्तों, बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में पहली नाम जिसका आएगा भैया वो है विक्रांत मासी, और ये इतना इंटेंस एक्टिंग करते हैं जब वो एक नॉर्मल हस्बैंड की कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और उसके बाद जब एक हस्बैंड के सर में जो जुनून सवार हो जाता है, वैसा हस्बैंड जो ऑब्सेशन में चला जाता है वैसा हस्बैंड का भी कैरेक्टर उन्होंने काफी बढ़िया तौर से उन्होंने निभाया है। और तापसी पन्नू जो एक्चुअली में यहाँ पे बेस्ट जो स्टोर स्टेलर, मतलब आप बोल सकते हो कि शो स्टेलर जो होने वाली थी वो यहाँ पे विक्रांत मासी से जो है वो थोड़ा फीका पड़ जाती है, लेकिन फिर भी मैं उनका जो परफॉर्मेंस कहूंगा वो भी काफी अच्छी है। और साथ में जो हर्षवर्धन राणे हैं उनको मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ करने का मौका है नहीं, तो थोड़ा बहुत जो फ्लर्टिंग वाला इमेज उनका दिखाया गया यहाँ पे तो उसमें वो खरे उतरते हैं बस उतना ही। लेकिन अगर बात करें तो विक्रांत मासी का जो परफॉर्मेंस है वो दमदार है इस पर्टिकुलर फिल्म के अंदर। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव्स के बारे में। तो फिल्म की पॉजिटिव्स देखिए, पहली बात जो है इसका जो है कहानी, जो अगर आप बोलोगे कि देखिए ये कहानी थोड़ा इलॉजिकल है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब जो किताबें हैं ना जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, मनोहर कहानियां, उनकी कहानियां ऐसी ही होती है, उनमें ऐसी ही दिखाई जाती है कि मतलब एक लव स्टोरी या फिर एक लव ट्रायंगल, एक आप बोल सकते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसका एक भयंकर परिणति जो है वैसा, तो इसमें भी वही चीज जो है वो डाला गया है। साथ ही में बहुत बढ़िया कुछ डायलॉग्स जो है वो डाला गया है। प्यार के ऊपर जो नसीहत
नसीहतें हैं वो नसीहतों को बहुत अच्छा तरीके से पेश की गई है, वो काफी अच्छा है। अब दोस्तों अगर बात करें नेगेटिव की, तो दोस्तों नेगेटिव इसमें एक ही चीज मुझे लगा कि अरेंज मैरिज इसको थोड़ा गलत तरीके से इसमें दिखाया गया। अरेंज मैरिज का जो भी फ्लिप साइड है, उस फ्लिप साइड को ऐसे दिखाया गया कि अरेंज मैरिज चीज जो है वो बुरी है, और वहां पे जो है मतलब औरतें जो है शादी के बाद वो जो है वो सेटल नहीं कर पाती है, और उनका जो प्यार है वो बहुत धीरे धीरे बाद में जाके वो घना होता है, शुरू में उनका प्यार या फिर एडजस्टमेंट कुछ होता ही नहीं अपने पति के साथ। तो ये चीज जो है मुझे थोड़ा खटकती है, बाकी तो दोस्तों बहुत मजेदार है। ये वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है, और इसमें जो है आपको पूरा वो ढाई घंटे सवा दो घंटे का जो टाइम है आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करोगे, तो मेरे लिए मस्ट वॉच है। और अगर व्यूअरशिप की एडवाइस मैं करूं तो ये डेफिनेटली 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए ये है नहीं, बिकॉज ऑफ दी सब्जेक्ट लाइन। वैसे कुछ सीन वगैरह उतना कुछ है नहीं, बट द सब्जेक्ट लाइन इज नॉट फॉर दी माइनर्स। तो आप डेफिनेटली अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कुछ भी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।